किए गए कार्यशैली की जीत है। हमारे देश की नेतृत्व आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की व्यक्तित्व का प्रभाव है और ये हम सब की जीत है, भारतीय जनता पार्टी की जीत है। और मैं धन्यवाद देती हूँ हमारी जनता जनार्दन को जिसने इस तरह का जनादेश दिया है, जो अनपेक्षित था और जो अकल्पनीय था अविश्वसनीय। और निश्चित रूप से ये हम सब की उन कार्यकर्ताओं की जीत है जिन्होंने ईमानदारी से, निष्पक्ष भाव से और बहुत ही संवेदनशील उस जगह पे और बहुत ही विपरीत परिस्थितियों में डटकर काम किया है। मैं ऐसा मानती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की जीत और लोकतंत्र की जीत और जनता जनार्दन की जीत, इसलिए मैं बोलती हूँ। जितने मत हासिल हुए हैं काफ़ी उम्मीदों से उभर के सामने आए हैं, लोग आपको लाख के अंदर आते थे कि लाख के अंदर इस बार चुनाव जीतेंगे, आप काफ़ी लाख से आप 2 लाख पास कर चुके हैं, क्या करेंगे? जी हाँ, मैंने ये कहा आपको कि नरेंद्र भाई मोदी जी का व्यक्तित्व कुछ ऐसा है, उनके नाम से, उनके व्यक्तित्व के प्रभाव से एक आंधी नहीं सुनामी चली और जनता जनार्दन ने नरेंद्र मोदी जी को अपने हृदय में बसा लिया। भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली को, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए गए जो योजनाएं हैं, जो आज धरातल में परिणित हो रहे हैं, गरीब लोगों को पक्का मकान जो उनके सपनों को पूरा करने के आधार के रूप में मिल रहे हैं, और उज्ज्वला योजना जैसी एक महत्वपूर्ण योजना जो अत्यंत प्रभावी रूप से धरातल पर स्थायी हो रही है, ऐसी योजनाएँ सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही सोच सकती है। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगी कि कुछ कारण नरेंद्र भाई मोदी जी के व्यक्तित्व का प्रभाव, कुछ कारण भारतीय जनता पार्टी की सोच, उसका उद्देश्य, उसके द्वारा बनाई गई जो योजनाएं, और कुछ कारण हमारे भारतीय जनता पार्टी के ईमानदार कार्यकर्ताओं का समर्पण, ये सारी चीज़ें मिलजुल वोट का प्रतिशत लगातार जीत किसे किसी देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की जनता आपको केंद्र सरकार मंत्री के रूप में देख रही है। ये सारी चीज़ें हम जब सोचते हैं तो बिना किसी सीमा के अंदर सोचते हैं, सीमा के बाहर हम सोचते जाते हैं और उसका कोई था नहीं होता। इसलिए मैं अपने आप को कि हमारे क्षेत्र की जनता जनार्दन मेरे अपने मुझे इस रूप में देखना चाहते हैं, लेकिन मैं उनके लिए आभार भी व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस स्थिति में लाकर खड़ा किया है कि आज जो वोट का प्रतिशत है वो लगातार बढ़ा है और उन्होंने मुझे सम्मान की दृष्टि से इस वोट प्रतिशत की ओर नेतृत्व करने के लिए हमारी सरकार की ओर भेजा है। तो मैं ऐसा मानती हूँ जो मिला है वो बहुत, भारतीय जनता पार्टी बहुत सोच समझ कर निर्णय करती है। नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व इतना प्रभावी है कि उनके द्वारा किया गया हर कार्य प्रभावी दृष्टि से सिद्ध होता है। इसलिए मैं ऐसा मानती हूँ भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया हर निर्णय जनता के लिए, क्षेत्र के लिए, जनहित के लिए प्रभावी होगा और हर सोचा गया कार्य और हर सोच हमारी जनता के नागरिक की हमारी अपनी प्राथमिकताएँ क्या होंगी, अगली प्राथमिकताएँ क्या होंगी? पहला मुद्दा तो आपका रेलवे था, वो करीब करीब चल रहा है, अगली प्राथमिकता? जी हाँ, अधूरे कामों को पूरा करना और सीधी संसदीय क्षेत्र आवागमन के साधनों से जुड़ जाए, हम भी अपने आप को मुख्य धारा में जोड़ने लग जाए, महसूस करने लग जाए, ये मेरी प्राथमिकता है। स्वास्थ्य की सुविधा बेहतरीन हो ये मेरी इस पंचवर्षीय की प्रथम प्राथमिकता का विषय है, जिसमें मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था हो, जैसे महिला अस्पताल की व्यवस्था हो, जिसमें जो बेसिक इंस्ट्रूमेंट है हमारे स्वास्थ्य के लिए, इलाज के लिए, उसकी उसको उपलब्ध करा सकूँ, ये मेरी प्राथमिकता। प्रयास किया आगे आने वाले बच्चों, मैं प्रयास करूँगी कि मैं अच्छा काम कर सकूँ। सीधी संसदीय क्षेत्र जो पर्यटन दृष्टि से अत्यंत सुंदर स्थल कहलाता है, मैं चाहती हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी पहचान बन सके और इसे अन्य कई विषय जिसमें मैं काम करना चाहती हूँ, जनता का साथ, कार्यकर्ताओं का सहयोग, अपनों का विश्वास बरकरार, भारतीय जनता पार्टी का विश्वास बरकरार, ये जो मेरे सपने हैं वो पूर्ण करने। बिंद क्षेत्र के या बघेली न्यूज चैनल का अपना लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, आपन सुझाव हमका अवश्य दें। बहुत बहुत धन्यवाद।